بسم الله الرحمن الرحيم أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارق قرآن ہو کر لائق سجدی وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل سامعین باتمکین آج آپ کی یہ محفل اور آپ کا یہ پروگرام صحیح بخاری شریف کے تکمیل کی محفل ہے. میں نے ان کو سنانا ہے پورے پینٹوں نے سنانا. آج آپ کی یہ محفل صحیح بخاری شریف کے اختتام اور تکمیل کی محفل ہے. انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں وہ عزیزہ بچی کہ جنہوں نے صحیح بخاری شریف کی تکمیل کی ہے. اللہ کے عالم سے میں دست دعا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں اس امانت کو تادم زیست نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ان کے ورثاء اور والدین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ آج ان کی بچی نے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو پڑھ کر کے دل میں محفوظ رکھنے کی سعادت حاصل کی. لائق سجدی وقار شریعت کا منبع اور شریعت کا سرچشمہ بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں, ایک قرآن پاک ہے اور ایک ارشاد رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کلام الہی ہے اور فرمان پیغمبر مضمون الہی ہے. قرآن الفاظ خداوندی ہیں اور حدیث رسول مضمون خداوندی ہے. اللہ رب العزت نے جو کچھ کہا پڑھا اور تلاوت کیا وہی الفاظ جس وقت
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो ये कलाम खुदा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुराद को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मजमून को अल्लाह के पैगंबर ने अपने लफ्जों से बयान किया तो ये इरशाद खुदावंदी हुआ। तो शरीयत मुताहरा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम का नाम है या खुदा के मजमून का नाम है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लफ्जों को पढ़ के सुना देते हैं तो ये कुरान बन जाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजमून को अपने लफ्जों से अदा फरमा देते हैं तो ये हदीस रसूल बन जाती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया नजर अल्लाह इमरान समिया मकालती हाफिजहा वहा व अद्दाहा कमा समिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को तरोताजा रखे कि जिस शख्स ने मेरी हदीस को सुना और उसे महफूज रखा और फिर उसे उसी तरीके के साथ आगे पहुंचाया जैसा कि उसने सुना था। तो कुरान पाक को याद रखना भी सआदत का काम है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखना भी सआदत का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि हमारे नबी को आखिरी पैगंबर बनाया है, जब आखिरी पैगंबर बनाया तो कुरान मुकद्दस की हिफाजत का पहरा भी रब ने खुद दिया है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी के तरायफ तुरुक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को ऐसे अता फरमाए कि गैर मुस्लिम से गैर मुस्लिम भी ये कह उठे हैं कि इस तरह की पहले किसी पैगंबर के सीरत की, पैगंबर के अल्फाज की हिफाजत नहीं की गई जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस तैयबा की हिफाजत की जिम्मेदारी मुहद्दिसीन ने पूरी की है और उम्मत मुहम्मदिया ने पूरी की है। अरबाब इंसाफ बात को जरा समझिएगा, आपके चेहरे बताते हैं कि आप थके हुए हैं और आपके चेहरे बताते हैं कि आप अके हुए हैं, लेकिन बहरहाल कुछ बातें मैंने आपसे करनी है। अरबाब इंसाफ मेरी तमहीदी बातें आप समझें मैंने क्या कहा है। मैंने अर्ज आपके सामने ये किया है कि शरीयत मुताहरा का मंबा, शरीयत की बुनियाद, शरीयत का सरचश्मा दो चीजें, एक का नाम कुरान है और एक का नाम पैगंबर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल देते हैं वो हदीस बनता है, जो कह देते हैं वो हदीस बनता है, मेरे आका जो करके दिखा देते हैं वो हदीस बनता है, जो करता हुआ देखें और खुश हो जाएं, चुप हो जाएं, खामोशी इख्तियार फरमाएं वो हदीस बनता है। और अल्लाह के अल्फाज अगर उम्मत पढ़े, पैगंबर पढ़ाए तो कुरान बनता है। तो मालूम ये हुआ कि आज हमारे पास जो असल चीज मौजूद है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, एक पैगंबर का फरमान है और नबी मुकर्रम की अहादीसें चूंकि मुख्तलिफ अंदाज से जमा की गई है इसलिए उनमें से सबसे आला तरीन किताब का नाम सही बुखारी शरीफ है, जो कि आज आपके इस शहर में या आपके इस पिंड या गांव में पढ़ी गई है। मैं मुबारकबाद दूंगा इसके मुंतजमीन को कि तुम्हें रब ने चुना है, इसलिए कि आज आपकी वजह से यहाँ बुखारी की तकमील होती है। अरबाब इंसाफ ये अल्लाह का कुरान है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है जिसे कलाम इलाही कहते हैं। और याद रखिए इस बात को, किसी भी बात की अजमत के लिए, किसी किताब की अजमत के लिए
बुनियादी तौर पर चार चीजों का होना जरूरी है। जब वो चारों चीजें पाई जाती हैं तो फिर उस किताब की, उस कलाम की, उस मजमून की इज्जत और अजमत की कोई इंतहा नहीं रहती है। सबसे पहली बात यह है कि कलाम ऐसा है जिसमें इल्म की और इल्म की बात मिले, कोई खबर की बात मिले। अगर कोई बात ऐसी हो जिसमें इल्म न हो तो याद रखिएगा उसको कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। नंबर दो, गुफ्तगू ऐसी हो कि जिसमें बात ऐसी हो कि जिसमें कलाम ऐसा हो कि जिसमें फहम की, दनाई की, दानिश की बात होती है तो हर बंदा सुनता है कि बात बहुत कीमती की जा रही है। नंबर तीन, जो करने वाला है वो भी साहेब मनसब है, साहेब इज्जत है, साहेब वकार है तो बात को सुना जाता है। एक बात दानाई की है वो आपके इलाके के साहेब हैसियत ने की है तो उसी बंदे की बात की कीमत और होती है। बात हुई है लेकिन की चौक में खड़े होकर किसी बच्चे ने है तो उसी बात की अहमियत और कीमत कुछ और बन जाती है। बात बड़ी कीमती होती है लेकिन की चुके बच्चे ने है तो कहते ये है कि गल वड़ी कम दी है मुंडा सी पर गल वड़ी कम दी कर गए। पंजाबी समझ आउंदी है? तो समझ ही आ रही है तुहानू? इसलिए कुछ बोल के मुझे समझाएं तो सही कि आप जिंदा बैठे हुए हैं। तवज्जो रहे बात पे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जनाब पहली बात के बात ऐसी है जिसमें कोई इल्म है, दूसरी ये कि आपकी बात में या कलाम में कोई दनाई की बात है, और तीसरी बात यह है कि कहने वाला कोई साहिब हैसियत है, और चौथी बात यह होती है कि जो बात आप तक पहुंची है वो पहुंचने के तरीके और सनद ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि मिन्नो अन वही बात मुझ तक पहुंची है कि जो बात पहुंचाई गई है वही बात मेरे तक आई है। मजमून बदला नहीं, मजमून में तब्दीली नहीं, मजमून के अंदर कोई खल्त मल्त नहीं किया गया है। जब ये चार चीजें आप समझ जाते हैं तो फिर ज़हन में रखिएगा इन्हीं चार चीजों की कसवटी पे आप अल्लाह के कुरान कलाम को देखें तो आपको यही नजर आएगा। जहां तक बात है इल्म और हिकमत की, दानाई की, तो आप देखें ये कलाम कलाम खुदावंदी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने वाले हैं मेरा रब का इल्म इल्म जाती है, खुदाए जुल जलाल का इल्म किसी का मांगा तांगा नहीं है, मेरे रब का मांगा हुआ इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जाती इल्म है। रहमत कायनात कहते हैं उती तो इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, के मुझे पहलों का भी इल्म मिला, मुझे बाद वालों का भी इल्म मिला। इतने बड़े इल्म के बावजूद भी मेरे और आपके आका ये कहते हैं कि मेरी और रब के इल्म के मुकाबले में हैसियत ये है कि जैसे दरिया के किनारे पे आकर के एक चिड़िया चूंच पानी में मारती है और एक थोड़ी सी नमी उसकी चूंच पे लग जाती है, मेरी इतनी हैसियत है कि खुदा का इल्म एक दरिया है, समंदर है, और मेरा इल्म अल्लाह के मुकाबले के अंदर एक नमी और तरी है जो कि एक चूंच पे लग गई है। तो रब का इल्म बेहद और बेइंतहा है, मेरे खुदा का इल्म मावराल वरा है। रब का इल्म ऐसा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, रब का इल्म ऐसा है कि जिसका कोई किनारा नहीं है। इसलिए यहूदियों को जब दावा ये था हमसे बड़ा आलिम कोई नहीं तो मेरे पैगंबर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के कुरान ने ऐसे ऐसे नबियों के वाकयात बयान किए जो कि यहूदियों ने सुने भी कभी न थे, ईसाइयों ने सुने भी कभी न थे। अब ये वर्तय हैरत में है कि ये पहले नबी की बात है, आखिर आई कहां से है, ये पहली कौम का वाकया है, ये आया कहां से है। तो बात समझ में आ जाती है कि ये कलाम खुदावंदी है, अल्लाह का इल्म मावरा है। तो फिर रब जानता है अजल से क्या था, मेरा रब जानता है आने वाले वक्त में क्या था। तो कुरान की खबरें भी ऐसी आई कि जो हकीकत में मबनी थी, अल्लाह ने जो कहा वो हकीकत में सच
साबित हुआ, जो रब ने कहा वो हकीकत में क्लियर हो करके सभी के सामने आ गया। अल्लाह ने जो फरमाया वही सबने देखा, तो समझ में आया है कि इल्म से भरा हुआ किताब, भरी हुई किताब ये अल्लाह की किताब है। इल्म से भरी हुई किताब ये कलामे खुदाबंदी है। इल्म से भरी हुई किताब ये शरीयत मुतारा के वो एजाज है कि इतनी बड़ी किताब अल्लाह ने हमें अता की है। और उलमा ने जब बैठ करके इसमें नुक्ते निकाले हैं तो कलमों की स्याही मिटती गई, उलमा की जिंदगी खपती गई, उलमा लिखते चले गए, बोलने वाले बोलते चले गए, कहने वाले कहते चले गए। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो मैं तुझे लेके जाना चाहूंगा, जिस वक्त आपका समरकंद टूटा था, जिस वक्त आपका उद्रस टूटा था, तो आपके सुंदरस के इलाके में एक ही जगह पे इतने कुतुब खाने उलमाए कराम के लिखे हुए थे, जो तफसीर पे मुंतमिद थे, तफसीरें लिखी गई। अकलें हैरान हो जाती हैं। आप आकर देखें, जब बगदाद के इलाके में तातारी आए थे, हलाकू खान ने आकर के कब्जा जमाया था, तो दरमियान में दरिया बहता है, उस दरिया के पुल को मुसलमानों ने तोड़ दिया ताकि इधर से इधर ना सके। एक कुतुब खाने की किताबें उठा करके उस दरिया में डाल दी गई। वो इतनी बड़ी पुल बन गई थी कि उससे तीन गाड़ियां बराबर में गुजर सकती हैं। कई सालों तक वहां का पानी वो नीला होके बहता रहा। उलमा लिखते थे तो वहां से स्याही लेकर के किताबें लिख लेते थे। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की किताब है। इल्म का किनारा नहीं है, इल्म की हद नहीं है। इल्म का इतना बड़ा पहरे देख रहा है। और आकर के देखना, इस किताब को पढ़ने के लिए कोई मुफस्सिर बना है, इस किताब को पढ़ने के लिए कोई मुजव्वद बना है, इस किताब को पढ़ने के लिए कोई कारी बना है, मुफस्सिर बना, इस कुरान की वजह से मुजव्वद बना, इस कुरान की वजह से कारी बना, इस कुरान की वजह से आलम बने। तो इल्म की बात पे अगर आते हैं, कुरान की अरहम से लेकर के वन्नास तक आप पढ़ते चले जाएं, एक नुक्ते को उठा करके देख लीजिए, उलमा की जिंदगी खप गई, उलमा की जिंदगी लग गई, उलमा की जिंदगी बीत गई। मगर फिर भी कहते हैं अभी तक एक अल्हम्दुलिल्लाह तो दूर की बात है, बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं होती। इल्म का किनारा इस कुरान में है। कोया दुनिया ये कहती चली गई, आलम वही होता है जिसके सीने में कुरान होता है। और बुलंद आवाज से, अब इंसाफ के जहां तक इन तीन चार चीजों का ताल्लुक है, ये तीन और चार चीजें तुम्हें कुरान मुकद्दस में मिलेगी। तो इल्म की बात आती है, रब का इल्म जाती है, खुदा का इल्म अपना है, रब का किसी का मांगा हुआ इल्म नहीं है। हिकमत और दनाई की बात आती है, तो ये हिकमत से भरा हुआ अल्लाह की किताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये किताब दनाई से भरी हुई है, हिकमत से भरी हुई ये हदीस है तैयब, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है। फिर तीसरी बात को अगर लेते हैं तो तीसरी बात समझ में ये आती है कि जनाब इसी कुरान मुकद्दस को अगर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, इस कुरान मुकद्दस को देखें, तो पता ये चले कि जनाब बड़ा किसने है, ये किताब किसकी है, तो समझ में ये आता है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी किताब है। बोलने वाला रब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बोला है, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ पैगंबर इसे तिलावत हमने किया, अल्लाह का कुरान कहता है इसे पढ़ा हमने है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं जिसे अल्लाह ने पढ़ा हो, कोई किताब ऐसी नहीं जिसकी तिलावत मेरे रब ने की हो। आपके हाथ से आप सुनते हैं, तौरात भी आई है मगर रब ने पढ़ी नहीं है, जबूर भी आई है मगर रब ने पढ़ी नहीं है, इंजील भी आई है मगर रब ने इसे पढ़ा नहीं। पढ़ा है तो फकर एक किताब को पढ़ा, जिसे कलाम इलाही कहते हैं, जिसे कलाम मुकद्दस कहते हैं,
ہیں جسے قرآن عظیم کہتے ہیں. اب میرے دوستو ایک گفتگو میں کرتا ہوں, ایک گفتگو کوئی اور آدمی کرے گا, دونوں کی گفتگو میں فرق ہو جائے گا. ایک وزیر اعظم بولے گا, ایک علاقے کا چودھری بولے گا, دونوں کی گفتگو میں فرق پیدا ہوگا. جناب والا اگر گفتگو کو دیکھنا ہے تو یہ گفتگو کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی گفتگو ہے. یہ گفتگو کس کی ہے؟ یہ عرش والے کی گفتگو ہے. یہ گفتگو کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے. تنزیل من رب العالمین, یہ خدا کا اتارا ہوا کلام مقدس ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھتے ہوئے وہ بندہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے آج رب سے باتیں کی ہیں, آج میری باتیں رب سے ہوئی ہیں. اللہ بولتا رہا میں سنتا رہا, اللہ کہتا رہا میں سنتا رہا, باتیں رب کی تھی میں نے پڑھی ہیں. رب مجھ سے بولا, میں رب سے بولا, رب نے مجھ سے کہا, میں نے رب سے کہا, رب میرے سے کہتے ہیں, میں رب سے کہتا رہا. علماء کہتے ہیں وہ سچ کہتا ہے, وہ صحیح کہتا ہے. اگر وہ قسم بھی اٹھائے تو قسم میں حانت نہ ہوگا, اگر وہ قسم بھی اٹھائے اس پہ کفارہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ زمین پہ ایک کتاب ہے جسے کلام الہی کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی کلام کو پڑھے حقیقت میں رب سے بولا ہے, اگر کلام کو پڑھتا ہے حقیقت میں خدا سے بولتا ہے, اگر کلام الہی کو پڑھتا ہے حقیقت میں اس کی باتیں خدا سے ہوتی ہیں. ارے خدا قسمت ہے میرے بچوں کی, میرے بچوں نے قرآن پڑھا, کلام الہی کو سینے میں پڑھا ہے, ساری نے پڑھا قرآن کو سینے میں رکھا, تالی نے پڑھا سینے میں رکھا ہے. لوگ فخر سے کہتے ہیں آج میری ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی, آج میری ملاقات کسی صدر سے ہوئی, آج میری ملاقات کسی کونسل سے ہوئی. تم کہتے رہو تمہاری ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں. میرا بچہ صبح بھی رب سے ملتا ہے, شام کو بھی رب سے ملتا ہے, دن کو بھی رب سے ملتا ہے. جب دنیا سوتی ہے یہ تاجد کے وقت اٹھ کر کے کسی سے بات نہیں کرتا, اپنے رب سے بات کرتا ہے. بلند آواز سے کہو, اور بلند آواز سے کہو, رب سے بولتا ہے کسی سے نہیں بولتا. اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے بولو, اور بلند آواز سے, یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام زمین میں ایک ہی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے. اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تیسری بات, چوتھی بات, کہ جناب کلام وہی معتبر ہوتا ہے کہ جس کلام کو لینے والے بھی معتبر ہوں, پہنچانے والے بھی معتبر ہوں. نہیں سمجھے میری بات کو, پہنچانے والے بھی کیا ہوں؟ معتبر ہوں. بڑے آدمی کے ہاتھ پیغام جاتا ہے, پیغام کی حیثیت اور ہوتی ہے. بچے کے ہاتھ پیغام بھیجا جائے تو پیغام کی حیثیت اور ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ قرآن جب بھیجا اس کے تین دو حصے بنتے ہیں. رب سے چلا ہے تو مصطفیٰ تک آیا ہے, مصطفیٰ سے چلا ہے تو رنگین پور کے مسلمانوں تک آیا ہے. مصطفیٰ سے چلا تو ہم تک یہ پہنچا ہے, اور خدا سے چلا ہے تو مصطفیٰ تک آ کر کے پہنچا ہے. ارباب انصاف جب رب سے چل کر کے مصطفیٰ تک آ رہا تھا تو اس وقت جو لے کے آ رہا تھا اسے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر کے مصطفیٰ تک آتے ہیں, رحمت کائنات کے قلب مطہر تک اتارتے ہیں. اور حضرت جبریل کے بارے میں اگر بات اتنی سی آ جاتی کہ وہ خدا کا قاصد ہے تو بات تو کلیئر تھی, بھیجنے والا رب ہے تو قاصد بھی اعلیٰ ہوگا. لیکن اللہ نے جبریل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. وہ آگے چلا گیا. یہ اس جملے تک خدا ذوالجلال نے جناب جبریل علیہ السلام کا تعارف کروایا. پہلی بات یہ خدا نے کہی انہ رسول, کہ وہ رسول ہے. اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جو قاصد ہوتا ہے. بتایا کہ جبریل میرا قاصد ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو کسی عام نے نہیں بھیجا, اسے بھیجنے والا میں خدا ہوں, یہ قاصد میرا ہے. اگر تم بھیجتے ہو اسے کہ جسے تم بھیجتے ہو, اس لیے اسے بنایا تم نے قاصد جس پہ تمہیں اعتماد ہوتا ہے. صدر اپنا پیغام کسی چوڑے کے ہاتھ میں نہیں دیتا, صدر اپنا پیغام کسی عام کے ہاتھ میں نہیں دیتا. صدر پیغام اسے دیتا ہے جس کی دیانت میں اعتماد ہوتا ہے, پیغام اسے دیتا ہے جس کی امانت میں اعتماد
एतमाद होता है, पैगाम उसे देता है, जिसकी शराफत पे एतमाद होता है, पैगाम उसे देता है, जिसके मकाम पे एतमाद होता है, पैगाम उसे देता है, जो उसे सबसे प्यारा होता है, सबसे आला होता है, सबसे महबूब होता है। इसलिए रब्बे सुल जलाल ने हजरत जिब्रील को कासिद बनाया था, ये कासिद बनाना था, उनकी अज़मत खल के सामने आ गई। लेकिन रब ने फिर भी कहा, रसूल करीम वो इज्जत वाला भी है, तो सवाल पैदा हुआ, अगर वो इज्जत वाला थी, लेकिन आगे ये भी तो समझ में आए कि वो वैसा आदमी होगा, शायद वो दबने से दब जाता होगा, शायद वो ऐसा होगा, अगर उसे कोई डराए तो वो डर जाएगा। रब्बे जुल जलाल ने कहा, जी कुव्वतन, वो बड़ी ताकत वाला है, वो बड़ी इज्जत वाला है, वो बड़ी कुव्वत वाला है। कितनी बड़ी कुव्वत रखा है वो, तो जमीन से अपने परों से कोई जिब्रील के अलावा ऐसा फरिश्ता नहीं है जो मकाम वाला हो, उनसे ज्यादा इज्जत वाला हो, उनसे ज्यादा शराफत वाला हो। सैयदुल मलाइका वो है, हर मलाइका का सरदार वो है, रब्बे जुल जलाल वो सारा कुछ रखता है, लेकिन पैगाम पैगाम ही है। तूने लिख के तो नहीं दिया था, तूने बोला था वो सुनता गया, तू बोलता रहा वो सांस करता गया, तू बोलता रहा उसने कान लगाया है। और जब कान लगते हैं गलती भी होती है, जब कान लगते हैं खता भी होती है, सही सुना भी नहीं जाता। रब कहता है दूर नहीं रखा, अपने अर्श के करीब रखा था, अर्श मेरा है, मेरे अर्श के साए के नीचे जिब्रील रहता है, मेरा घमंडी है, मेरे साथ रहता है, मेरे करीब रहता है। तो गले बात कर कर हो गई, मेरे साथ भेजा इज्जत वाला है, मेरे साथ भेजा वो ताकत वाला है, मेरे साथ भेजा वो शराफत वाला है, मेरे साथ भेजा मेरे करीब रहता है, मैंने कासिद भेजा मेरे साथ रहता है। ताकत दुनिया को ये कंजर हो जाए, ये कुरान जब मैं भेजा था, मैंने ऐसे फरिश्ते के हाथ में भेजा, उसने वही पैगंबर को पहुंचाया है, आमना का दुर्रा यतीम को वही सुनाया है, मैं रब बढ़ता गया हूँ, वो मेरे पैगंबर को देता गया। ये कुरान है, मेरे ख्याल बस करिए।